सौगात मिली है। बिहार को बड़ी सौगात मिली है और प्रदेश में शुरू हुई नई इलेक्ट्रिक बसों की सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में बड़ी सौगात दी है और सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 70 बसों को हरी झंडी दिखाकर नई सेवा की शुरुआत की है और इससे बड़ा ही कदम कहा जा रहा है। प्रदेश सरकार का ये बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है, जिस तरीके से ये शुरुआत कही जाए। और सबसे बड़ी ये खबर है कि बिहार को नई बसें सेवा मिली है, ये इलेक्ट्रिक बस सेवा मिली है। तो बिहार में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि राज्य में कुल 70 बसों को लाया गया है और इसका शुभारंभ आज खुद मुख्यमंत्री ने किया है। इनमें से 15 लग्जरी, 25 डिलक्स और 30 सेमी डिलक्स बसों का परिचालन बिहार में शुरू हुआ है। 43 विभिन्न मार्गों पर इसका परिचालन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, इसके साथ साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और परिवहन मंत्री शीला कुमारी भी मौजूद रही। तो आपको बता दूं कि बिहार को बड़ी सौगात मिली और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी सक्सेना जुड़ी हुई हैं। शिवानी, बिहार को बड़ी सौगात कही जा सकती है इसे? जी अनिरुद्ध, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी बिहारवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आज इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए थे। और निर्भय देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस बस में कई तरह की सुविधाएं भी मौजूद है। अगर हम देखें तो जहां 70 बसों का शुभारंभ किया गया है, तो इसमें 15 लग्जरी बसेज है, 25 डीलक्स है, तो वहीं 30 सेमी डीलक्स बसें जो है वो बिहार के 43 विभिन्न मार्गों पर इनका परिचालन आज से शुरू किया गया है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये राज्य के 38 जिलों को जो है, जिले जो है उन्हें राजधानी पटना से कहीं ना कहीं वो जोड़ती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल शिवानी, इसको देखें तो क्या ये नगर बसों बस सेवा जो है उसमें भी शामिल की जाएगी या फिलहाल अभी बिहार से बाहर जो अलग जिले हैं उसमें ही ये सेवाएं रहेंगी? जी देखिए निर्भय, ये जो बस है आपको नगर बस सेवा और बिहार के विभिन्न मार्ग जो है उन सभी पे मार्च के आखिरी सप्ताह से यानी कि कुल 25 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो भी शुरू हो जाएंगी। और अगर हम देखें तो इस बस की कई विशेषताएं भी है। अगर जहां तक हम देखें बिहार के बाकी बसों की, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण मुक्त वो नहीं थे, लेकिन ये बसें जो है पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है, वातानुकूलित भी है और साथ ही साथ बस में 3 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जो कि 2 अंदर की तरफ है और 1 बाहर की तरफ लगाई गई है। साथ ही बिल्कुल मतलब सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फैसिलिटी जो है, हाँ बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही साथ इसमें कई चीजें और भी जोड़ी गई है, जैसे कि पैनिक बटन की फैसिलिटी भी दी गई है या फिर चार्जिंग भी दिया गया है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, ये जो हम लोगों ने नॉर्मल अगर देखी तो मेट्रोज में हम देखते हैं कि पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगे होते हैं, लेकिन अब बिहार में भी जो ये बसें स्टार्ट हुई हैं आज से उसमें भी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। निर्भय बिल्कुल शिवानी, आपको बनाकर